हेलो फ्लोनर्स, निकिता हियर। और अभी हाल ही में 2021 में जूही चावला ने दिल्ली हाई कोर्ट में सारे 5G कंपनियों के खिलाफ एक लॉ सूट फाइल किया, जिसमें उन्होंने 5G टेक्नोलॉजी को इंडिया में इम्प्लीमेंट करने से रोकने की मांग की। उनका कहना है कि 5G से जो भी रेडिएशंस निकलते हैं वो आज के टेक्नोलॉजी के मुकाबले 10 से 100 गुना टाइम्स ज्यादा है। उनका कहना है कि अगर इंडिया में 5G टेक्नोलॉजी आ जाती है तो ना तो कोई इंसान, कोई जानवर, पेड़ पौधे, कोई भी जीव इन रेडिएशन के हार्मफुल एक्सपोजर से बच नहीं पाएगा। एंड माइंड इट, जूही ये कोई हवा में नहीं बोल रही है। ये देखो, ये है 2019 में दिए गए बेल्जियम के एनवायरमेंट मिनिस्टर सेरिन फ्रीमॉल्ट का बयान। इसमें उन्होंने ये साफ साफ कह दिया है कि मेरे देश के लोग कोई एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने वाले गिने पिग्स नहीं है, जिन पे हम लोग 5G जैसे खतरनाक टेक्नोलॉजीज का एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करें। एंड जूही ने भी मोबाइल रेडिएशन को लेकर ये आवाज फर्स्ट टाइम नहीं उठाई है। इसके पहले भी 2011 में जूही ने कुछ IT प्रोफेसर के साथ मिलकर अपने घर में कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, जिसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने ये दावा किया कि उनके घर के 40 मीटर पास खड़े सह्याद्री टावर्स की वजह से उनके घर में रेडिएशन की मात्रा नॉर्मल से ज्यादा थी। और अगर देखा जाए तो जूही ने जब ये क्लेम किया, यानी 2011 में, तब तो हमारे देश में 3G या फिर 2G टावर्स हुआ करते थे, और अब तो हम 5G की बात कर रहे हैं, जो ऑफ कोर्स एज वी ऑल नो काफी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है और उसके लिए टावर्स भी काफी ज्यादा लगते हैं। एंड ज्यादा टावर्स यानी ज्यादा रेडिएशन ऑब्वियसली। लेकिन एक मिनट, USA, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, थाईलैंड, स्पेन, इटली, ये उन कुछ कंट्रीज के नाम है जिनमें 5G ऑलरेडी यूज हो रहा है। तो अब वहाँ पे ऐसे कोई 5G से हार्म होने वाले केसेस अभी तक क्यों नहीं आए? और इसके अलावा अगर हम कैलिफोर्निया के वीआईवी सॉल्यूशंस की रिपोर्ट्स देखें तो उनके अनुसार फरवरी 2020 तक पूरी दुनिया के कुछ 34 देशों के 378 शहरों में 5G अवेलेबल हो चुका है। तो जब इतने शहरों में ऑलरेडी 5G चल रहा है, कुछ केसेस नहीं आए हैं, तो आंसर क्या है? क्या वाकई में 5G टेक्नोलॉजी अनसेफ है और गवर्नमेंट जूही की बातों को दबाकर हमारे हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहा है, या फिर हम बस यूही जूही की बातों को मानकर अपने आप को फ्यूचर टेक्नोलॉजीज ना यूज करने पर मजबूर करके अपने देश की प्रगति पर रोक लगा रहे हैं? अब गवर्नमेंट ने 5G को हरी झंडी दिखाते हुए एक महीना भी नहीं हुआ है कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी हमसे ये वादा तक कर दिया है कि नेक्स्ट ईयर तक हमारे देश में 5G फुल फ्लेज्ड यूज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इतनी जल्दबाजी क्यों? क्या हमें 5G की इतनी ज्यादा जरूरत है? 5G के फायदे तो बहुत है। नंबर 1, इसकी स्पीड। 5G अब तक की सबसे तेज और सुपर डुपर फास्ट वायरलेस मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे 5G की स्पीड 4G से 10 गुना ज्यादा है। मतलब कह सकते हो कि इसकी बेसिक स्पीड ही 1 GBPS से स्टार्ट होती है। नंबर 2, इसके लो लेटेंसी वाले फीचर्स के तो क्या ही कहने। डेटा ट्रांसफर में डीले माइक्रो सेकेंड्स का होगा, यानी हम कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिवली काम कर पाएंगे। गेम स्ट्रीमर्स के लिए इंटरनेट से होने वाला लैग हट जाएगा, लोग घर बैठे बैठे या दुनिया के किसी भी कोने में बैठे बैठे अपने घर के किसी भी डिवाइसेस या इंडस्ट्रीज के कोई भी मशीन को अपने सेल फोन से ऑपरेट कर पाएंगे। यहाँ तक ये तक कहा जा रहा है कि जरूरत पड़ने पे डॉक्टर्स 5G की मदद से ऑपरेशंस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दुनिया के किसी भी कोने में बैठे बैठे कर पाएंगे इफेक्टिवली। तो ये तो कितना सही है। लेकिन यार, जब 5G हमारे लिए इतना ज्यादा फायदेमंद है तो 5G को लेके इतने सारे सवाल क्यों खड़े हो रहे? अब देखो, हर कुछ सालों में कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज आते हैं और उनका आना निश्चित है, लेकिन इनके आने के बाद आते हैं इन पर कई सारे सवाल। अब देखो, अगर हम हमारे इस 5G टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो इस पे उस टाइम पे जब जूही चावला ने ये केस किया था तब कितना सारा वाद विवाद चल रहा था, राइट? लेकिन फिर फाइनली गवर्नमेंट ने जूही के ये प्रपोजल्स को एक पब्लिसिटी स्टंट बताकर उसे रिजेक्ट कर दिया। अब हालांकि इस 5G के बारे में साइंस क्या कहता है वो तो अभी हमारा जानना बाकी है, लेकिन अगर मैं आपको ऐसे कोई आए हुए न्यू टेक्नोलॉजीज और उनपे खड़े हुए मल्टीपल सवालों का एक और एग्जांपल दूं तो क्रिप्टो करेंसी को ही ले लो। 2018 में RBI ने इंडिया के सभी बैंकों को एक सर्कुलर भेजा और क्रिप्टो में डीलिंग करने के लिए अपने बैंक और अपने कस्टमर्स को थोड़ा कॉशियस, थोड़ा सा सचेत होने के लिए कहा। लेकिन फिर अभी हाल ही में 2021 में सुप्रीम कोर्ट के क्रिप्टो करेंसी को लीगल करार देने के बाद RBI ने उनके ये 2018 के उस कॉशन वाले सर्कुलर को इनवैलिड करार दिया है। अरे इनफैक्ट अभी तो भारत में हमारे खुद के इंडियन क्रिप्टो करेंसी बिलियनर्स तक तैयार हो गए। यस, मिलो पॉलीगॉन के ओनर्स जयंती कनानी, संदीप नायलवाल और अनुराग अर्जुन से। पॉलीगॉन एक ऐसी कंपनी है जो एक सिक्योर और इजी टू यूज क्रिप्टो नेटवर्क बिल्ड करने में हेल्प करती है, प्राइमरीली इथेरियम क्रिप्टो का। और याद रहे, ये तो बस क्रिप्टो का सिर्फ एक स्टार्ट है, इसलिए तो कहते हैं ना कि क्रिप्टो करेंसी इज द फ्यूचर करेंसी। और इसीलिए अगर आप भी फ्यूचर में बिलीव करते हो तो मेरे पास आपके लिए एक सिंपल सा एप्लीकेशन कॉइन स्विच को बेरा
है। ये एक एप्लीकेशन है जिससे आप सबसे इजी और सबसे अच्छे तरीके से बिटकॉइन या फिर कोई भी और क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट, उन्हें सेल और बाय कर सकते हो। ये आपका यूजर इंटरफेस इतना ज्यादा सिंपल है, प्लस इसका KYC भी इतना ज्यादा फास्ट हो जाता है, बिल्कुल जैसे आप कोई ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर रहे हो या मे बी कोई कैब बुक कर रहे हो। कॉइन स्विच कुबेर में आपको इंस्टेंट बाइंग और इंस्टेंट सेलिंग के साथ साथ इंस्टेंट डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स भी मिलते हैं। ये एप्लीकेशन एंड्रॉइड और iOS दोनों में अवेलेबल है, जिसमें आप 100 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज यानी बिटकॉइंस के अलावा भी डॉज कॉइन, लाइट कॉइन, ट्रॉन एक्सेट्रा को बाय या फिर सेल कर सकते हो। इतने सारे बेनिफिट्स की वजह से ही आज कॉइन स्विच कुबेर में पिछले 11 महीनों में 30 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। और डरो मत, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो इनका कस्टमर सपोर्ट एकदम ज्यादा फास्ट और क्विक है। और इसके अलावा अगर आपको ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट में कोई भी प्रॉब्लम है तो कॉइन स्विच कुबेर का खुद का अपना एक यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पर ये सब कुछ सिखाते हैं। आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके भी सब कुछ सीख सकते हो। और इसके अलावा अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कॉइन स्विच कुबेर ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको 50 रुपीज का फ्री बिटकॉइंस भी मिलेगा। इसके अलावा इस एप्लीकेशन को अपने दूसरे फ्रेंड्स में शेयर करने से आपको वापस से 50 रुपीज के फ्री बिटकॉइंस मिलते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, गो डाउनलोड कॉइन स्विच कुबेर ऐप एंड ट्रेड कर बेफिक्र। तो अब चलो, जैसे हम जान चुके हैं कि 5G के अलावा भी कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी जब भी आती है तो उसमें हमेशा नए नए सवाल पूछे जाते हैं, नए नए क्वेश्चंस खड़े होते हैं, एंड इट इज वेरी नॉर्मल। लेकिन चलो फिर भी ये जान लेते हैं कि साइंस 5G के बारे में क्या कहता है। अब जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि 5G एक सुपर डुपर फास्ट स्पीड है, तो इसीलिए इतनी ज्यादा फास्ट एंड फास्ट स्पीड से ट्रांसमिट करवाने के लिए सरकार को यहाँ पे भारत में ज्यादा से ज्यादा बेस स्टेशन यानी मोबाइल टावर ट्रांसमीटर्स लगाने पड़े। इसके अलावा अगर हम BBC रियलिटी चेक टीम की रिपोर्ट पढ़े तो उन्होंने ये कहा है कि 5G भी दूसरे सेलुलर टेक्नोलॉजी की तरह ही रेडियो वेव्स पे चले, तो इसीलिए इसके एकदम बेस्ट कवरेज पाने के लिए सरकार को हर 10 से 100 मीटर के रेडियस के अंदर अंदर मोबाइल टावर्स को लगाने पड़े। और जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बीचों बीच जी रहे हैं, और अब 5G में तो टावर्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली रेडिएशन भी बढ़ेगा। सो चलो, ये तो हुआ 5G का वर्किंग, वो वर्क कैसे करता है। लेकिन चलो अब ये जानते हैं कि साइंस का इस पे क्या कहना है। अब 5G हमारे लिए कितना ज्यादा हार्मफुल है उसके लिए हमें पहले ये समझना होगा कि 5G के रेडिएशन किस तरह के होते हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग ये तरह के दो रेडिएशन होते हैं, जहां एक्स रेज, गामा रेज या फिर सन से निकलने वाले यूवी रेज आयोनाइजिंग रेज होती है, जो बॉडी में सेल के DNA में कुछ कुछ म्यूटेशन यानी कुछ कुछ चेंजेस करके कैंसर पैदा करने वाले सेल्स तक फॉर्म कर सकती है। लेकिन वही TV वेव्स, FM वेव्स, मोबाइल रेडिएशन, 2G, 3G, 4G, 5G ये सारे रेडिएशन नॉन आयोनाइजिंग रेज में आते हैं। ये सारी वेव्स विजिबल लाइट यानी जो हम रोज की जिंदगी में यूज करते हैं लाइट, ट्यूबलाइट ऑन करके, उनसे भी कम एनर्जी यूज करती है, यानी इनमें उतनी एनर्जी होती ही नहीं है कि ये बॉडी के सेल्स के अंदर घुस के उसके DNA को कोई भी तोड़ मरोड़ के कोई भी उसमें चेंजेस कर सके। लेकिन ये सब मेरा कहना नहीं है, बल्कि ये बात की पुष्टि तो खुद इंटरनेशनल कमीशन ऑफ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन ICNIRP के प्रोफेसर रॉडनी क्रॉफ्ट ने खुद ही की है। उन्होंने ये खुद कहा है कि 5G रेडिएशन के कोई भी वेव्स बॉडी को किसी भी प्रकार का कोई भी डैमेज पहुंचाने के काबिल है ही नहीं। और यही सेम सेंटेंस हमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ साइंस ने अपने एक एक्सपेरिमेंट के रिपोर्ट में कहा। उन्होंने कहा कि रैट्स को जब 2G और 3G सेल फोन में यूज होने वाले रेडियो फ्रिक्वेंसीज से एक्सपोज किया गया, तब उन्होंने चूहे के हाथ में ट्यूमर को पनपते हुए देखा। लेकिन ऐसा इंसानों में नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहली बात तो उन्होंने चूहों को कंटिन्यूसली रेडिएशन से एक्सपोज करके रखा था। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उतने टाइम तक या फिर उतने डिस्टेंस, उतने क्लोजली इंसान हमेशा अपने फोन्स के पास नहीं होते। और दूसरी बात, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में जो रेडियो वेव्स यूज की थी वो नॉर्मल से जो हम यूज करते हैं उससे 4 गुना ज्यादा थी। और इसीलिए उन्होंने ये कंक्लूड किया कि 5G टेक्नोलॉजी से इंसानों को या फिर जानवरों को कोई भी नुकसान नहीं। लेकिन यार फिर भी बात समझ में नहीं आई, क्योंकि उन्होंने चूहों में एक्सपेरिमेंट किया जहाँ पे उन्हें हार्मफुल रिजल्ट्स मिले, और कई बार चूहों पे जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं वो इंसानों में भी सही पाए जाते हैं। बट फिर ये सारी कंफ्यूजन की महाभारत को दूर करने के लिए अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने अपने खुद के मोबाइल रेडिएशन पर किए जा रहे बरसों पुराने स्टडीज का खुलासा फाइनली कर दिया है। उन्होंने ये बोला है कि भाई और बहनों, फिकर नॉट, मोबाइल रेडिएशन का इंसानों पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता।
लेकिन इन्होंने ये भी कहा है कि यूजुअली ऐसे किसी भी कैंसर कॉजिंग सोर्स से ट्यूमर्स को डेवलप होने में कई दशक लग जाते हैं। और इसीलिए क्योंकि अभी ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज में मोबाइल फोन्स को यूज करके कुछ 20 साल ही हुए हैं, तो इस मोबाइल फोन से होने वाले कैंसर के इस डिबेट को अभी तक पूरी तरह से एंड नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको इंट्रो में ऑलरेडी बताया कि कैलिफोर्निया के वायावी सॉल्यूशंस के रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी 2020 तक पूरी दुनिया में 34 बड़े से बड़े देश जैसे यूएसए, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, यूके जैसे बड़े बड़े देश की 378 शहरों में ऑलरेडी 5G आ चुका है और ऑलरेडी लोग यहाँ पे जोरों शोरों से इसका इस्तेमाल कर भी रहे हैं। अब ये सारे कंट्रीज ने क्या एक्सपेरिमेंट्स किए, क्या रिजल्ट्स आए वो तो हमें नहीं पता, लेकिन ऑब्वियसली कुछ ना कुछ जांच पड़ताल तो किया ही होगा, उसके बाद ही इसको शुरू किया होगा। और अगर देखा जाए तो 2019 से लेकर अब तक इन सारे देशों में मोबाइल टावर्स या फिर 5G के रेडिएशन के वजह से कोई भी ऐसा केस, कोई भी भयानक सा केस बाहर आया ही नहीं है। अब यार सवाल ये आता है कि जब ऐसे बड़े से बड़े देश 5G को वेलकम कर रहे हैं, तो हम इंडिया वाले क्यों 5G को टाटा बाय बाय कर रहे हैं? और अगर हम जूही चावला के इस केस पर आए तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑलरेडी उनके इस लॉ सूट को व्हाट्सएप पर पड़े हुए कोई रैंडम से मैसेज जैसा बेसलेस और इनवैलिड कह के इस लॉ सूट को एक पब्लिसिटी स्टंट बता के नल एंड वॉइड करार दिया है। और उसके साथ जूही चावला को अभी से 5G का बिल भी उसके घर भेज दिया है, यानी उसे पूरे के पूरे 20 लाख रुपए का दंड भरना पड़ेगा अपने इस लॉ सूट के लिए। और इनफैक्ट हाईकोर्ट के इस डिसीजन के बाद जूही चावला ने खुद ये एक्सेप्ट किया कि मैं 5G के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि गवर्नमेंट सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल, सारे मेजर्स लेके, सारे टेस्ट करके ही 5G को हमारे कंट्री में इम्प्लीमेंट करे, विच इज फेयर एनाफ। एंड मेरा भी यही ओपिनियन है, एंड आई एम वेरी श्योर कि गवर्नमेंट ये ऑलरेडी कर रही हो। तो आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट वाकई में सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल, सारे टेस्ट करके 5G को इम्प्लीमेंट कर रही है, या सिर्फ ऐसे ही रैंडमली हमारे सेफ्टी के साथ खिलवाड़ करके 5G को हमारे कंट्री में इम्प्लीमेंट करना चाहती है? आपका जो भी थॉट है आप वो मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। चलो एक डिबेट करते हैं, मजा आएगा। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक कर दो। आजकल फोन में कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, हर वीडियो में एक सोशल मैसेज, एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपको ऐसे ही फ्लर्न यानी फन लर्निंग करते रहना है तो मेरे चैनल गजलफ्लाई 1 को सब्सक्राइब कर दो और वो नीचे दिया गया बेल आइकन भी दबाओ विद ऑलवेज को ऑप्शन ऑन, वरना आप फ्लर्न की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।